नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लार विन्द सतपत्र नेत्रह येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरो मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुपिपा शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिर्येद विभाविने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः संसारसागरे मगनं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामोद्धर भवार्णव अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीगुरुचरणकमलरजोभ्यो नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिलये वासिष्ठाय नमो नमः अभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं शस्तये आत्मशनि प्रजा शनि भजु शनि लो प्रसन्न भय शनि अग्निः प्रजां बहुलाम्बे करतन्न पयोरेतो अस्मासु धत्त कर्पूरगौरं करुणाभदारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च जगा त्वमेव त्वमेव विद्या दविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे मुरारी सबके स्वहारे गोविंद गोपाल माखन किशोरी ज्ञानं प्रदेहि चरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवन् नमोस्तुते ओम शिव महापुराणेभ्यो नमः आरारदिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं विष्णुदेव
شيبادي بندنم أريهم برازا ديرازا يا برسيا ساهيني نمو ويم بيسرا برا يا كرمهي سمي كامان كام كاما يا ميهم كاميسورو وي سبرو دادو كبيرايا ويسرا برايا مهاراجايا نمها هاري اوم بسواتا تشاورو تابسواتا مغا بسواتا باهورو تابسواتا سبا سمبا هوبيان تمتي سمبا تترير يا بومي جنيان ديبايكا سيوانتي كاوى كولا جمبا كاطا لابجي كنا جاتي كاربيرا رسالة بوسبي ملا برابالا تولا سيدا لمانجري بي كامبوجا يامي جاكادي سرمي برسيل نانا سوغندا بوسباني دي سكالو دوفاني جا بوسبانجالير ميادتو غريهانا برميس فرها مانترا بوسبانجاليم شامر بياماها سيدي بنعجة نبدي مهرجة كي పురుషోత్తం భగవాన్ శివ మహాపురాణ సద్గురుదేవ్ జీ మహారాజ్ స్వామిజీ మహారాజ్ సమస్త భగవద్ భక్తం కి నమః పార్వతి పదే హర 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 بحق بوشنم
ವದ್ಮುಕ್ತಂ ಕಣಿಮಾನಿರೂಪಂ ಯೋಧಿತೆ ನಿಜಮಾಯೈವ ಭುವನಾಕರಂ ವಿಕಾರೋಜಿತೆ ಯಸ್ಕರುಣಾಕರಾಕ್ಷಿವೃತಂ ಸರ್ಗಾಪವರ್ಗಾವಿಭಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋದಾಸುಖಾದ್ವೈ ಶೈಲಿಸುತಾಶ್ರಿತಾರ್ಥವಪಿಶೋ ಶಶ್ವತ್ ನಮಸ್ತೆ ಜಿಸೇ ತೆರೆವೆ ಮಂಗಲಿ ಮಂಗಲಿ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ದರ್ಬಾರ ಸತ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾ ಜಯಕಾರ ವೀರ ವೈರಂಗಿ ಹರ 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 ಮಹಾದೇ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಿ ಹರ 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 ಮಹಾದೇ ಜ್ವಲ ಪ್ರವಾಹಿಕಾಂಡಲೋತು ನ ಶಿವ ಶಿವ ಚಟಾಪಟಾಶ್ರಮಿಲ್ಪನಿರ್ಜರಿ ನಾಟಪಟ್ಟ ಪಾವತಿ ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಿ ಧೋರಣಿ ವಿರುದ್ಧ ದುರ್ಗಣಾಪತಿ
ಧ್ವನಿ ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ ಹರ 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 ಮಹಾದೇವ ಲೋಚನ ಪ್ರಶೇಖರ ಧಾರಣಿ ಜೋಟಕ ಶ್ರೀ ಚಿರಾಯ ಜಾಯತ ಚಕೋರ ಶೇಖರ
रावण के शिव तांडव का पाठ आपने सुना। रावण महाविद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था। जब वो अहंकार का भूत उतर जाता, शिव की पूजा करके मन निर्मल हो जाता, शांत हो जाता, तो रावण क्या कहता है? कैदानिलिंप निर्जरे ने कुंज कोट रे वसन। क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा समय आएगा, कोई ऐसा वक्त आएगा कि गंगा के किनारे कोई पुराना पेड़ हो, सूख गया हो और उसमें एक खोखर बन गई हो। पेड़ खोखला हो जाता है ना, सूख जाए और उसमें एक छिद्र हो जाता है। इस सोने की लंका में नहीं, इस महल में नहीं, गंगा किनारे में उस पेड़ की खोखड़ में बैठ के निकुंज कोट रे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा। रावण को पता था कि उसकी मति सुमति नहीं है, क्या है? दुर्मति है, तभी तो वो लिख रहा है विमुक्त दुर्मति सदा। आपने इन सारी दुर्मतियों को उतार के इस कुमति से छुटकारा पाके सुमति बना के ये जो मेरे हाथ हैं इनकी अंजलि बना के, शिरे स्तमंजलि बहन, किसकी तरह? हनुमान जी की तरह। हनुमान जी कथा कैसे सुनते? आपकी तरह नहीं, उनके सुनने का तरीका अलग है। हर कथा में हनुमान जी आते हैं, इस समय भी जितनी कथाएं चल रही हर जगह विराजमान है, यहां भी विराजमान। सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। और कथा सुनने का तरीका क्या है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, तत् तत् कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्णि लोचना, मारुति नमत राक्षसांतकम्। इन दोनों हाथों की अंजलि बना देते हैं और इन हाथों के ऊपर यूं अपनी ठुड्डी ऐसे टिका के, क्यों? कारण क्या है? कहते कथा में हर्ष के क्षण भी आएंगे, विषाद के क्षण भी आएंगे और दोनों ही परिस्थितियों में मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख पाऊंगा, नियंत्रण नहीं रख पाएगा। भाव आएगा, कभी हर्ष के आंसू निकलेंगे, कभी विषाद के आंसू निकलेंगे। और वो आंसू नहीं, उसमें तो मेरे प्रभु बसे होंगे, जिनकी लीला हो रही, जिनकी कथा मैं सुन रहा, और वो भूमि पर गिर ना जाए। क्या करते हैं वो? जो मोती गिरते हैं उनका पान करते रहते हैं। तो यही बात तो रावण भी कह रहा है, शिरे स्तमंजलि बहन, विमुक्त लोल लोचनी लगा, लग्न का हर चीज से मुक्त होके, इस सारे प्रपंच से दूर होके,
हे भगवान कदा सुखी भवाम्यहम्। रावण कह रहा है इसका मतलब मान रहा है कि वो सुखी नहीं है। स्पष्ट कह रहा है ये केवल पाठ करने के निमित्त नहीं है, इनको विचार करना है। रावण इसमें अपने आप को आत्मगिला नहीं महसूस कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि मैं सुखी नहीं हूं। कदा सुखी भवाम्यहम्। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े मकान हैं। हमने बोला था दो दिन पहले ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और उनसे ऊंची पहाड़ियां, उनसे ऊंचे चांद तारे और उनसे ऊंचा भोलानाथ रे। उनमें सुख नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत बड़े बैंक बैलेंस हैं, बहुत बड़ा परिवार है, रावण से बड़ा किसका होगा। वहां सुख नहीं है। सुख कहां है? झूठ मत बोलना, आज भगवान का विवाह है, बारात आ रही है, 3 घंटे कोई दुख निकट आता है? बोलिए, ये 3 घंटे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई दुख आपके निकट आता है? कोई पीड़ा कहीं महसूस होती है? कुछ खाने पीने की इच्छा होती है? तो फिर भी ना समझ आए कि सुख कहां है तो कब समझेंगे। कदा सुखी भवाम्यहम्, शिवेति मंत्र उच्चरा। क्या कभी भगवान का नाम लेते हुए उनका गुणगान करते हुए मैं सुखी होऊंगा? भगवान की लीला मात्र 7 दिन है और 5 चले हैं। शिव महिमन में लिखा है पुष्प दंत ने, असित गिरी सवम स्यात् कजिलम सिंधु पात्रे, सुरितर वर्षाखा लेखनिम पत्र मुर्वी, लिखते यदि गृहीता शारदा सर्वकाल, तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। गिरी समम सात कजलम सिंधु पात्रे। संसार के अंदर जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनको पीस के उनकी रोशनाई बना दी जाए, स्याही बना ली जाए, अर्घोली किसमें जाए? कजलम सिंधु पात्रे, सातों समुद्रों में उसे घोल दिया जाए, इंक पॉट तैयार हो गया और लिखने के लिए कागज, लिखने पत्र मुर्विम, जितने भी पेड़ हैं उन सबके पत्तों का कागज बना लिया जाए, पूरी सृष्टि के अंदर जितने पेड़ हैं, और कलम, लिखने पत्र, जितने पेड़ों की शाखा है तरोवर शाखा उनकी कलमे बना ली जाए, और लिखे कौन? लिखते अधिगृहीत शारदा सर्वकाल, श्रीमा सरस्वती हंसवाहिनी वीणा वादिनी ज्ञानवर्धिनी। लिखने के लिए बैठ जे और थोड़े समय नहीं,
लिखते यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाल लिखती रहे हर समय तब भी तब गुणाना ईश पार नयाती भगवान तब भी आपके गुणों को लिखा नहीं जा सकता उसको लिखना संभव नहीं और हमें कितने दिन मिले सात शिव पुराण नहीं महाशिव पुराण है आप श्रवण कर रहे थे भवानी सती हो गई कल यहां छोड़ा भगवान आए उसके दग्ध शरीर को उठा के पांडव नृत्य करने लगे भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और जहां जहां टुकड़े गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए ज्वाला बीजी में जीवा गिरी कांगड़ा में वक्षस्थल गिरा नैना देवी में नयन गिरे चिंतापुरनी में चरण गिरे कामाक्षा में योनि गिरी इस तरह जहां जहां जो जो अंग या आभूषण गिरा वो शक्तिपीठ बन गया है भवानी कहां सती हुई बोलो मायके में हुई कि ससुराल में मायके में आजकल कहां हो रही हैं ससुराल में अगर ससुराल में हुई होती भवानी तो आज लोगों को विकल्प मिल जाता बोलने के लिए कली के अंदर ससुराल में जगह जगह सती हो रही है कारण भवानी को सती क्यों होना पड़ा यो निंदते महादेव निंदे मान शिणो तुआ कल आपको बताया था कब तक नरक में रहना पड़ता है तब वो नरक में आतो यावन चंद्र दिवा किलो दक्ष भगवान विष्णु के पास गए कि शिव से युद्ध करना है भगवान ने मना कर दिया कारण क्या है अपूज्या यत्र पूजन्ते पूज्य न पूज्यते अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते तेनि तत्र भविष्यन्ति दारिद्रम मरणम भय जहां जिनको पूजा जाना चाहिए उनकी पूजा नहीं होती और जिनकी पूजा नहीं होनी चाहिए उनकी होती है वहां तीन चीजें होती हैं कौन कौन सी पहली बताई दरिद्रम वो कभी पनपता नहीं है दूसरी बात बता दी भयम वहां डर रहता है तीसरी बात मरणम जीते जी भी मरता है वो और मर के भी मरता है शिवोहम 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 जपाकर शिवोहम शिवो शिवोहम जपाकर
शिवो हम जपने से शिव जपने से अहम जाता है अहंकार चला जाता है। अहम को छोड़ो शिव को रखो और अगर शिव चला गया तो फिर युद्ध होता है लड़ाई होती है। ऋषि जी ने तीन वर मिले कि मैं मरू नहीं, हड्डियां वज्र की बन गई, और कैसे कैसे ऋषि हैं देवताओं को आवश्यकता पड़ी और व्रज बनाने के लिए वज्र के लिए अपनी हड्डियां भी दान में दे। गाय से शरीर चटवा के मांस हट गया और हड्डियां रह गई और देवताओं से कहा ये ले जाओ। सिर में गंगा को धारण किया हुआ है, गंगा का एक नाम है विष्णुपदी। शिव की पूजा को जानना है, समझना है, विष्णुपदी यानी भगवान के चरणों की धोवन सिर में धारण की हुई कि अहंकार कहीं छू ना जाए आ ना जाए। भगवान एक बार विश्राम कर रहे भृगु ऋषि आ गए। भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार किया, अपने पांव से प्रहार किया। भगवान ने चरण पकड़ लिए, सहलाने लगे, प्रभु विप्रवर कहीं चोट तो नहीं आई, मेरा वक्षस्थल वज्र जैसा है और आपके चरण कितने कोमल हैं। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घटी गयो जो भृगुमारी लात। वक्षस्थल पर निशान पड़ गया। ऋषि लज्जित हुए, विप्रपादाप चिन्हम। ब्राह्मण के ऋषि के चरणों का चिन्ह है, कहते परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरी डॉक्टरी हो गई है, मेरी पीएचडी की डिग्री है, आपके चरणों का प्रहार नहीं। सब देवता भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु शांत हो जाइए, कैसा भी है दक्ष हमारा प्रजापति है, उसको जीवित कीजिए। बकरे का सिर काट के लाया गया, दक्ष के सिर से जोड़ दिया। क्यों बकरे का लगाया? कि तू बहुत मैं करता है। मैं कौन करता है बोलो, जोर से बोलो, बकरा और बकरी भी क्या करती है? मैं आप तो नहीं है ना, कोई भी नहीं करता आप में से, आप तो कोई भी नहीं करते। मैं छोड़ मामा बोल, मैं छोड़, मैं कहना छोड़ दो, मेरा ने मेरा कहा तुम बोले
भयो दस बीस मेरा ने मैं ना कहा तुम बोल भयो दस बीस अर बकरे ने मैं कहा तो तभी कटायो शी दक्ष कर्क में आंडी थे वे दूसरे को नहीं मानते थे यत कृदयो तीत्री देवेशु भेद बुद्धि नराधमा नरकेत तब वे नूनम यावद चंद्र तारक जो भेद बुद्धि रखता है तीनों देव एक हैं रोज आरती में बोलते हैं आप ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्रणव अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका जो यज्ञ भेद बुद्धि के कारण किया जाता है दूसरे को नीचा दिखाया के लिए किया जाता है वो असफल होता है उसका परिणाम ऐसा होता है सबके अंग भंग हो गए भगवती ने जो वायदा किया था पूरा हो गया अल्पकाल के लिए जिसके यहां पहले अवतार लूंगी उसके बाद मैं सदा के लिए जो मेरा दूसरा अवतार होगा उसमें रहूंगी हिमाचल दो रूप में है स्थिर भी है और चल भी है दिरूपम तस्य विख्यातम जंगम स्थिर देवता एक हिमालय पर्वत है और एक हिमालय देव भी है हिमालय के लिए पितरों से प्रार्थना की तीन कन्याएं हैं देवताओं को प्रणाम नहीं किया देवता सामने आए तो अपने खेल में हास्य विनोद में इतनी मगन थी कि देवताओं को प्रणाम नहीं किया देवताओं को प्रणाम ना करने का फल क्या होता है मृत्यु लोक में आना पड़ता है श्राप दे दिया कि तुम तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा अब तो रोने लग पड़ी महाराज बड़ी द्रवित हुई हे माँ भगवती हे परा अम्मा हम आपकी उपासिका है आपकी साधना करते हैं और मृत्यु लोक में तो अवसर कहाँ मिलता है संसार के कार्य व्यवहारों में हम लोग ऐसे उलझ जाते हैं कि चाह के भी जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते भगवती तो कृपालु है दया मई है ममता मई है भगवती कहती देवताओं का श्राप है मैं कुछ कर नहीं सकती लेकिन मैं तुम तीनों को वरदान देती हूं कि मैं तीनों की कोख से स्वयं प्रकट होंगी तीनों की कोख से स्वयं प्रकट होंगी कोई बता सकता वो तीन कन्याएं कौन सी हुई यहां एक ये हुई अच्छा और दूसरी दूसरी उधर है ठीक है कथा में हमारा ज्ञान बढ़ता है इसको ज्ञान वर्धन सत्र कहते हैं ज्ञान यज्ञ कहते हैं ये तीन कन्याएं हैं मैना सुनैना
और तीसरी है कलावती। सुनैना के यहां कौन प्रकट हुआ? बोलो, सीता जानकी, जनकात्मजा है। सुनैना जिसके नयन सुंदर हैं, नयन किसके सुंदर हैं? बहुत बढ़िया सा काजल लगा लिया, आंखों का श्रृंगार कर लिया, या मोटी मोटी आंखें हैं? नहीं, नैन वही सुंदर है जिसमें भगवान या भगवती बस गई। कब? त्रेता में और द्वापर में। कलावती का नाम हुआ कीर्तिजू और प्रकट हुई राधा, भगवती का स्वरूप है। और सतयुग में मैना के यहां स्वयं भगवती पराम्बा आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट हुई। कभी कभी श्राप भी हमारे लिए वरदान बन जाता है। ये लौकिक लीला है, भगवान के निकट हमें पहुंचाती है। शिव विश्वास है और पार्वती श्रद्धा है। शिव विश्वास है और पार्वती श्रद्धा है। एक पंछी को उड़ने के लिए दो पर चाहिए, अगर एक पर घायल है तो पंछी उड़ नहीं सकता। यहां भक्ति रूपी पंछी है जो हमें उड़ा के भगवान तक ले जाता है, और उस भक्ति के दो पंख हैं, एक श्रद्धा और दूसरा विश्वास। दोनों पंखों को आपको दुरुस्त रखना पड़ेगा। अपने चित्त को शुद्ध रखना है, चित्त में क्या बस गया है और क्या बसना चाहिए इस बात पर विचार करना। प्रेम गली अति संकरी, तामे दो न समान। ये जीवन अमूल्य है, इसको व्यर्थ मत गवाएं। पार्वती के चित्त में शंकर है। कुछ बातें हम स्वयं करते हैं, कुछ गलतियां हम स्वयं करते हैं और कुछ हो जाती हैं। गलती हो गई कि नहीं, और लीला करनी थी, मैंने पहले भी बताया कि वो समय वो काल समाप्त हो रहा था और भगवती पराम्बा भी चाहती है कि मेरा दूसरा भक्त है हिमालय और मुझे अब उसके यहां अवतरित होना है। बचपन से ही हमारे अंदर कामना है, बचपन से ही हमारे अंदर इच्छा है। बच्चा पैदा होते ही रोना शुरू करता है, किस कामना से दूध मिल जाए। मुझे बचपन से ही पैदा होते, अभी कुछ नहीं पता, लेकिन दूध की कामना तो उसमें भी है। उसको भी तृषा है, उसको भी क्षुधा है। न पार्वती को विवाह की जरूरत थी, न शंकर को विवाह की जरूरत थी। वो तो सदा सदैव के लिए एक दूसरे के है। आज हमने जो मंगलाचरण में श्लोक बोला, वो भी उसी अर्धनारीश्वर रूप का ध्यान किया है। फिर कामना किसको थी? दानिशिरो मणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाव, चाहूं तुम्हार समान सुत प्रभु स।
भूषण कवन तप मनु ने भी किया, इच्छा उसको भी हुई, कामना उसको भी हुई। किसके लिए? धन के लिए, संपत्ति के लिए, मकान के लिए, गाड़ी के लिए? मनु ने क्या चाहा? ईश्वर भगवान जब सामने आए थे, भगवान आप ही चाहिए, आप ही मेरे पुत्र बने। तब दक्ष ने किया, हिमालय ने क्या किया? किस लिए? पुत्री चाहिए। कोई उसे पुत्र, कोई उसे पति, कोई उसे पिता बनाना चाहता है, लेकिन भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए, उसकी तो कोई कामना नहीं है कि मैं क्या बनूं। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन गए। हिमालय अरमैना ने बड़ा तप किया, इस बीच एक घटना घट गई। तारकासुर नाम का एक दैत्य बहुत तप किया और तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, और प्रसन्न करने के बाद जब ब्रह्मा जी दर्शन देने आए तो वर मांगने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो, हमारे यहां लिखे मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्र के अधीन है, जब आप कोई मंत्र बोलेंगे जप करेंगे तो भगवान आते हैं। अब मेरे से कई आजकल के पढ़े लिखे लोग पूछते हैं, महाराज आपने इतनी वेदियां बनाई, ब्राह्मण लोग आप कहते हैं कि आह्वान करके सब देवताओं को बुलाते हैं, तो क्या वो सब देव वहां आते हैं बैठते हैं? क्यों आचार्य जी देखा? वो आते हैं, मंत्र के अधीन है, उनको आना है। कहते महाराज फिर दिखते क्यों नहीं? जब आते हैं तो दिखते क्यों नहीं? अब मेरी जरा आईसाइट वीक है, नजर नहीं आता तो कुछ पढ़ नहीं सकते, फिर क्या करते हैं? दिखाई नहीं देता और अगली कथा आ रही है, कथा भी करनी है, कुछ तो सामने रखना पड़ेगा, तो फिर हम जाते हैं ऑप्टिशियन के पास, वो लगा के यूं लेंस चेक करता है, एक लेंस निकालता है, दूसरा लगता है, तो फिर एक लेंस ऐसा आ जाता है वो अक्षर पढ़वा रहा है, हाँ ठीक हो गया हमने पढ़ लिया। समझ आई बात? तो इसके लिए भी चश्मा चाहिए, वो नंबर नहीं है अभी आपके पास, जिस दिन मिल जाएगा आपको वहां सब पे वो जो सुपारी रखते हैं ना, आजकल तो रिवाज हट गया, पहले हर एक सुपारी एक एक रखी जाती थी, वो सुपारी नहीं, वो देव है, और जब वो दिव्य दृष्टि मिल जाएगी तो वो देव वहां उस सुपारी की जगह आपको नजर आएंगे। अंतर नेत्र खोलने पड़ेंगे, अंतर दृष्टि बढ़ानी पड़ेगी। तप किया, भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। देवी भागवत में हम विस्तार से ये प्रसंग सुनाते हैं, यहां शिव पुराण में इतना समय नहीं। भगवती ने वरदान दिया और महाराज अश्विन मास शुक्ल पक्ष सब देवता परेशान, तारकासुर को वर मिल गया है कि मृत्यु अगर होगी तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया सृष्टि का नियम है मरना तो पड़ेगा, इच्छा मृत्यु, और वो विचार कर रहा है कि भवानी तो सती हो गई और शंकर जी तो अब समाधि लगाए बैठे हैं, वो कहते हैं मुझे दोबारा विवाह करना नहीं, और विवाह के बिना पुत्र हो सकता? बोलिए,
चलो मान ले थोड़ी देर के लिए नारी के तो हो सकता है विवाह किए बिना किसी से संबंध हो जाए, लेकिन पुरुष को भी हो सकता है, कितनों से भी संबंध बना ले नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि मेरी मृत्यु शंकर जी के पुत्र के द्वारा हो तो देवता उससे भी दुखी हैं और बार 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 विनय कर रहे हैं, तो भगवती आज प्रकट हो गई और कहा कि मैं हिमालय के यहां अवतार ले रही हूं और भगवती पराम्बा आदिशक्ति जगदम्बा ने अश्विन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और अर्धरात्रि को 12 बजे हिमालय के यहां अवतार लिया है। सच्चे दरबार की जय, शिरोमणि मैया की जय। दोनों बड़े प्रसन्न हुए, कौशल्या की तरह आरती उतारी, प्रणाम किया। भगवती हमें ज्ञान दीजिए। बड़ा सुंदर, लगभग तैयार हो गई है, बाइंडिंग हो रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में वो उपलब्ध हो जाएगी। जो भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में उसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, और जो भगवती ने ज्ञान दिया हिमालय को उसको देवी गीता कहते हैं। हमने उस ग्रंथ को नाम दिया है देवी अनुशीलन। इस विषय पर कोई पुस्तक ही नहीं थी, भगवती की कृपा हुई और अब वो तैयार भी हो गई। नारद जी आ गए वीणा बजाते बजाते। नारद जी बहुत अच्छे समय पर आए हैं। इस कन्या के लक्षण बताइए। कहते लक्षण तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक समस्या है कि जो मिलना चाहिए वो सहज मिलेगा नहीं। नारद जी जानते हैं ये और कोई नहीं है, ये स्वयं भगवती है और इसके लिए भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई वर हो नहीं सकता। लेकिन भगवान तो समाधि लगाए बैठे हैं, मिलेंगे कैसे? जो तप करें कुमारी तुम्हारी भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय अगर तुम्हारी कन्या तप करे अभी से बचपन से, तब शायद वो भावी मिट जाए और वो वर मिल जाए। जब वो दग्ध शरीर निकाला सती का, अभी कुछ सांसें थी कि भगवान का दर्शन करके प्राणांत करूंगी, तो भगवान ने कहा कि सती मांग क्या मांगती है? सती मरत हरि सनवर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। श्री राम
वर्त हुई वर मांगा हे भगवन। हर जन्म 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 शिव पद अनुरागा, इस जन्म तो मैं विलग हो रही हूं लेकिन मैं ये वर मांगती हूं कि पुनः हम विलग नहीं हूं। नारद जी कह के चले गए और वो कन्या जानती है कि मुझे क्या करना है और अभी बालिका 5 वर्ष की और तप करने के लिए निकल पड़े। जो कार्य किसी भी तरह नहीं हो सकता है वो तप के द्वारा सहज ही बहुत ही आराम से हो जाता है। तप करके आप भगवान को वैसे ही प्रसन्न कर सकते हैं जैसे तपस्या के द्वारा पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। तप करने बैठ गई और एक ही प्रार्थना, हे भगवान मेरे मन में ऐसे बस जाओ कि मैं तब से उठूं नहीं जब तक आपको पा नहीं लो। हम तप करने बैठते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं, बार बार यूं देखते हैं, माला गिनते कितनी हो गई। सीखो सती से क्या कह रही है कि जब तक आपको पा नहीं लू तब तक। और कैसा तप किया, नमः पार्वती वदे हर 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 महादेव। सो मेरे मन में मैं तो आन पड़ी तेरे चरण में, आन बसो मेरे मन में मैं तो आन बसी तेरे चरण में। बारात आनी है आज भगवान की, सभी मन में बिसाओ पहले हो। भोली आने बसो मेरे मन में आने पड़ी तेरे चरण में, आने बसो मेरे मन में मैं तो आने पड़ी तेरे चरण में। भोले भक्तों के काम बना
घंटा बजाऊंगी तेरे लिए भोले भक्तों का जीवन बना जाना संत घंटा बजाऊंगी तेरे लिए बाबा जो बुलाएंगे उलदावे बाबा तुमको बुलाएंगे गलुड़ी में मैं द्वार बजी तेरे बहुत कठिन तप किया। 5 वर्ष की बालिका तप करने लग पड़ी और इच्छा एक ही है कि भगवान को पति के रूप में ही पाना। अन्न जल छोड़ दिया, केवल पेड़ों के पत्ते खा के रहने लगी। नाम पड़ गया अपर्णा। धीरे धीरे वो पत्ते भी छोड़ दिए, केवल वायु भक्षण कर रही है। जो देखता इतना कठिन तप मुंह से निकलता, उमा नाम हो गया उमा। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान शंकर समाधि खोलो, ये और कोई नहीं है वही भवानी है। आप सभी का रक्ति दे दो। भगवान कहते मुझे मोह में फंसना नहीं, नारी के निकट नहीं जाना। नारी विकल नर सकल गुसाई और नाचे नर मरकट की नाई। पुराना भजन है, वारे जादूगर देखी तेरी जादूगरी,
और तेरे हाथों में दुनिया नाचे जैसे बंदरी. लेकिन आज के युग में नारी के हाथों में नर ऐसे नाचे, आज समय बदल गया. तो महाराज हिमालय स्वयं गए थोड़ी जगह खाली कर दीजिए. हेलो बैंड बंद कर दीजिए दो मिनट के लिए. थोड़ी जगह बना के बैंड वालों थोड़ी जगह बनाइए प्लीज. कार्यकर्ता लोगों को अनुरोध है थोड़ा सा जगह बनाइए. आगे आने दीजिए थोड़ा सा. रात को थोड़ा सा आगे आने दीजिए प्लीज. सभी भक्तों से निवेदन है थोड़ी जगह दे करके बरात को आगे आने दीजिए जी. जय माता दी. सारे भक्तों से अनुरोध है कृपया बैंड बाजा को आगे आने दे, बैंड बाजा को आगे आने दे ताकि सभी को आनंद मिले. बरात का और जय माला का दोनों का आनंद लीजिए. सभी बैंड बाजा को आने दीजिए. जय माता दी, जय भोले. सिर्फ और माता बहनों सामने थोड़ा जगह दे दीजिए, बैंड बजने दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए प्लीज. आपसे निवेदन है और आगे वाले सुनिए. माता बहनों आप लोग बैठ जाइए, सभी को देखने मिलेगा. बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग. नमः पार्वती पे दे हाय 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 महादेव. बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, सभी को मिलेगा देखने को. बैठ जाइए. और राहुल चुप करा. कोई लंबा है कोई छोटा है, बड़े आगे खड़े हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा देखने को प्लीज. लाइव आ रहा है. हाँ बजाइए बजाइए आप लोग. हाँ बैंड वाले बैंड बजाइए. बोला बेटा कण कण में वो समाया, बीच के लाश में बोला बेटा कण कण में है समाया, कण कण में है समाया. अरे गुरु लाला
है गोरी ब्यावड़ आया गोरी ब्यावड़ आया गोरी ब्यावड़ आया अरे उल्दा गांव में देखो आज है गोरी ब्यावड़ आया गोरी ब्यावड़ आया गोरी ब्यावड़ आया ओकार में शिव है बस्ता ओकार में शिव है बस्ता उसने सब शिव विवाह है हम कह रहे हैं सारी दुनिया नाचे जो सारी दुनिया में नहीं है दुनिया से बाहर है वो नहीं नाचना आज तेरी डंग वजन कर बोले सारी दुनिया नाचे सारी दुनिया नाचे वो पीछे वाले भी तेरी डंग वजन कर बोले सारी दुनिया नाचे सारी दुनिया नाचे योगियों ने घर घर अलग जगाई अरे बिनों से भी बढ़कर है वह बोले तेरी बड़ियाई जहाँ जहाँ है वासा तेरा जहाँ जहाँ है वासा तेरा सारे दूने सारी दुनिया नचे शंकर बोलिया सारी दुनिया नचे भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम लक्ष्मीपते दुर्गम स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्वतो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवाणि ते मदे नमः
हरि ओम मा प्रजापतेन त्वदिदानन्यो विश्वारूपाणि परिताम भूव जत्कावास्ते जुहुमस्तन्नोऽस्तु वयुगुष्यापपतयो रयीणां मा नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्याम परस्पराशिष्ट बपुरधराभ्याम नगेन्द्र कन्या वृषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम सांगाभ्याम सवाहनाभ्याम सशक्तिकाभ्याम भवानी शंकराभ्याम नमः शिव भोले शंकर भगवान शिव के पावन विवाह की सभी को बोल मैं तो तुम्हें संग बोले नाचूंगी मैं तो तुम्हें संग इस विवाह की विधाई देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के श्री रघुवर दास जी श्री भूपेंद्र सिंह जी संजीव सिंह और महेंद्र यादव आए हैं कृपया मंच पर आप आइए विधाई देने के लिए बधाई हो बधाई हो म्यूजिक बजा Thank you.
बैठ के आरती का आनंद लीजिए सभी। ये लोग बैठ जाइए, कृपया कैमरे वाले ये जितने भी लोग हैं ترجمة
बधाई हो, बधाई हो। कैसी सुंदर जोड़ी लग रही है पंडित जी, आगे से हटो जरा। हे पंडित जी, जरा आगे से हट के रहा। कैसी जोड़ी लग रही है आपको? जिनको अच्छी लग रही जोरदार तालियां। नव पार्वती पदे हरे 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 महादेव। भगवान भोले के इस पावन विवाह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और देखो अंत में घर जाने से पहले भोले संग होली। आज उल्टा में होली मेरे रसिया, उल्टा में होली मेरे रसिया, होली मेरे रसिया, होली मेरे रसिया, होली मेरे रसिया, होली मेरे रसिया। भगवान शंकर का विवाह और जंगवना है, ये हो सकता है? बोलो नहीं। तो मिलिए जंगम से, वो कहते हैं हम रह गए, जरा तैयार होके सारे शंकर भगवान की जय। बम 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 बम
ايه
हरि देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सतन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभारतुलसीदलमञ्जरीभि स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्रिष्ट वपुरधराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नानासुगन्धिपुष्पाणि देशकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः श्रीशिवमहापुराण की सद्गुरुदेव महाराज की स्वामी जी महाराज की माता वैष्णोदेवी धाम की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय माता दी बोलिए शिव शंकर भगवान की जय नमः पार्वती पते हर 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 महादेव सभी भक्तों से अनुरोध है कि प्रसाद जो है वो हर बार की तरह आज भी बाहर लगा हुआ है सभी वहां से प्रसाद घर करके जाएं दो काउंटर लगे हुए हैं